मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है बीच वाला, तीन संख्या इधर से खत्म, तीन संख्या इधर से खत्म, मीडियन हो गया बीच वाला, तो सात हमारा उत्तर हो जाएगा। प्राइम नंबर आया है तो प्राइम नंबर के बारे में भी कुछ आप लोगों को फैक्ट बता देते हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं से जुड़ी कुछ बातें जान लीजिए, छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में छोटी छोटी बातें जान लीजिए। देखिए, एक से लेकर पचास तक और पचास से लेकर सौ तक, ठीक है, कितनी प्राइम संख्याएं आती हैं, कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो एक से लेकर पंद्रह आते हैं और पचास से लेकर सौ आते हैं। यानी अगर हमें कल के दिन कहना हो कि एक से लेकर सौ तक की गिनती में टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो टोटल पच्चीस अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? टोटल पच्चीस अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक से पचास तक पंद्रह अभाज्य संख्या आती है और पचास से सौ तक दस अभाज्य संख्या आती है। इस हिसाब से टोटल हमारे पच्चीस अभाज्य संख्या होते हैं। क्लियर है? कोई भी प्राइम नंबर जनरली जो होता है, कुछ क्वेश्चन में एक्सेप्शन होता है, प्राइम नंबर जितने भी होते हैं अगर उनको छह के साथ भाग करोगे तो या तो शेषफल एक आएगा या शेषफल माइनस एक आएगा। यह कहानी हमेशा चलती है। किसी भी प्राइम नंबर को देख लें, कुछ क्वेश्चन में एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन जनरली जो प्राइम नंबर होता है वो प्लस माइनस वन के फॉर्म में होता है। आप ऐसा भी कह सकते हो, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सिक्स एन प्लस माइनस वन, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जितनी भी प्राइम नंबर की बात कर लो, कुछ प्राइम नंबर की दो, ठीक है, दो, पहली बात तो ये पांच से ज्यादा होना चाहिए, छह से ज्यादा होना चाहिए। आप ऐसे कर लो, मान लो पांच सात, ठीक है, दो को छोड़कर पांच सात ग्यारह तेरह, मान लो यहाँ सत्रह है, ठीक है। ये देखोगे तो छह से एक कम है, छह के पहाड़े से एक कम है, ये छह के पहाड़े से एक ज्यादा है, छह के पहाड़े से कम है, छह के पहाड़े से ज्यादा है, छह के पहाड़े से कम है। तो ऐसे ऑलमोस्ट जितने प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिक्स एन माइनस प्लस वन के फॉर्म में होते हैं। यानी कल के दिन अगर हमें कोई संख्या को पता करना होगा कि वो अभाज्य है या नहीं है, तो एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका जो है वो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है नंबर सिस्टम में, कि उसके पास का हम कोई स्क्वायर नंबर ढूंढ के डिवाइड करते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में इतनी बातें जान लीजिए। प्राइम नंबर कौन संख्या होती है जो खुद से कटे और किसी और से ना कटे। क्लियर हो गया?